वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी अस्मितासु। 69 बीपीसी पीटी के लिए करंट अफेयर के अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वह कैंट हो जाएगा अहमदाबाद कैंट, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का शुभारंभ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RRR यानी कि RRR को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों में बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो दोस्तों वह उपग्रह का नाम है निसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है आलिया मिर्जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित है? तो दोस्तों वह देश है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई थी ऋषि राज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई, यह लिखा गया है ऋषि राज के द्वारा। अगला प्रश्न लिखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों वह शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है बेंगलुरु। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है महानिदेशक राकेश पाल जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता सौराष्ट्र है, जबकि उप विजेता बंगाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की विषय या थीम क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा फिनटेक ऐप UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला ऐप बन गया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है MobiQuick, ऑप्शन नंबर बी। फिनटेक ऐप UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला ऐप बन गया है MobiQuick। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनीश ग्रोवर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बॉर्लॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बॉर्लॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है माइकल रोजन जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां हेलीकॉप्टर एम लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय है हमारे साथ हमारे लिए नहीं, ऑप्शन नंबर ए। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 161वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवनीत कौर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है घाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फॉर्म कहां स्थापित करेगी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के पानीपत में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फॉर्म स्थापित करेगी हरियाणा के पानीपत में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य की पहल है? एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल है केरल राज्य की, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।